वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और ठीक ठाक भी होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने पहनी है साड़ी, तो मैंने सोचा कि इस पर चूड़ियाँ पहनती हूँ, पर वैसे मैं जो है ना साड़ी पर चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, तो मेरे पास नहीं थी। बट जब भी हम साड़ी वेयर करते हैं ना, साड़ी पर चूड़ियाँ पहनना चाहिए, तो लुक बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं पहन रही हूँ ग्रीन चूड़िया, जो कि सदाबहार है, हर साड़ी पर चलती हैं, आप हर साड़ी पर पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वैसे भी हम महाराष्ट्रियन है ना, ग्रीन चूड़िया ज़्यादा पसंद करते हैं। साड़ी कोई भी पहनो पर ग्रीन कलर की चूड़िया बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं चूड़िया पहनने के बाद यहाँ पर लगा रही हूँ मैं नेल पॉलिश। मैंने सोचा नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ, तो पैरों में मैंने नेल पॉलिश लगा ली है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हाथों में नेल पॉलिश, एक ही हाथ में लगाऊंगी क्योंकि जो राइट हैंड है उसमें यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे खाना बनाते हैं तो मतलब निकल जाती है ना हमारी नेल पॉलिश, तो हो सकता है खाने में ना गिर जाए, या खाने बनाते बनाते ना निकल जाए, या फिर खाते खाते बच्चों को खिलाते हुए। इसलिए मैं एक ही हैंड में लगाती हूँ, लेफ्ट हैंड में ही लगाती हूँ, राइट हैंड में नहीं लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए थे नेल पॉलिश लगाने के बाद, मैंने सूखने दिया था। उसके बाद मैं कपड़े उठा रही थी और ये कपड़े हैं ना रात से ही पड़े हुए, मीन्स कि रात को मैंने फैला दिए थे हॉल में। और अभी पता है आफ्टरनून का टाइम है, तो मुझे पता था कि कोई नहीं आने वाला है क्योंकि बारिश का मौसम है। वैसे भी आपको पता ही है आजकल कोई किसी घर में नहीं जाता है, तो कपड़े मैंने यहीं पर रहने दिए थे क्योंकि बेडरूम में भी जो झूला है ना, झूले की जो रस्सी है, वहाँ पर कपड़े बिछाए हुए हैं, और जो एक्स्ट्रा रूम है वहाँ पर भी कपड़े बिछाए हुए हैं, क्योंकि कपड़े है ना सूखे नहीं है, तो यहाँ पर ही रहने दिए थे। तो थोड़े हल्के से गीले थे, मैं सोचा यहाँ से उठा लेती हूँ। और फिर ये टेबल मेट वगैरह ये बिखर गया था, आपको पता ही है शू वगैरह है ना, वो क्या करती है कपड़ा खींचती है जैसे टेबल मेट का, तो वो ख़राब मीन्स कि वो बिगड़ जाता है, तो मुझे ये भी ठीक करना था। और यहाँ पर मेट वगैरह रखा था एक्स्ट्रा जो कि ईशू का है, तो वो भी मुझे उठाना था क्योंकि जैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी तो उठी थी पर लेट हो ही जाता है, तो कोई कोई चीज़ है ना नहीं होती है तो छूट जाती थी। यहाँ पर खाना खाने के बाद मैंने जो खाने के बर्तन यहीं पर रख दिए थे ऊपर। तो यहाँ पर मैं फिर हम लोग गाँव से आए थे, मीन्स कि ससुराल से आई थी मैं, तो ये बैग वगैरह यहीं पर मैंने रखी हुई है कि मतलब जब भी आते तो हॉल में कपड़े या फिर जब भी हमारे जो बैग वगैरह वहीं पर रखे रह जाते हैं, क्योंकि उस दिन तो हम लोग कुछ भी नहीं करते क्योंकि इतने थक जाते हैं। और वैसे भी मेरी तबीयत क्या बताऊँ, मैंने जब आई ना इतनी उल्टी सच में, मैं मतलब 2 घंटे के रास्ते में 4-5 बार बस बहुत परेशान, और गाड़ी में भी ऐसा लग रहा था ना, इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो फिर उधर से ही मेरा हेडेक भी बहुत हो रहा था, तो फिर मैंने बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं किया था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, घर से टिफ़िन लेकर आई थी वही खाया था। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह रख लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कपड़े रखने वाली थी, आप देख सकते हैं बैग वगैरह चटाई में मैंने है ना डाल के रख दी है। तो क्या हुआ, उतने में इशू उठ गई, तो ईशू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसे सर्दी हो गई है, तो बहुत मतलब परेशान कर दी थी। उसका ये कहना था कि मुझे बाहर ही लेकर चलो, और बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो उसको लेकर तो नहीं जा सकती थी, तो मैं इधर साइड ला रही थी उसको। जैसे मैंने सोचा कि चलो हॉल में खाना खाना है, पानी पीना है, बिस्किट खाना है, कुछ खाना नहीं, नहीं बस वो रो रही थी, बोलती हट हट, हम यही बोल रही थी कि नहीं खाना है, तो नीचे भी रख रही थी, तो यहाँ पर रो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, तो इसलिए कपड़े है ना ऐसे ही रह गए थे। फिर मैंने ईशू के पापा उठ गए थे, फिर उनके पास दे दिया। तो यहाँ पर ये बैग वगैरह है सब खाली करके रख रही हूँ, नहीं तो इसमें खाली नहीं करूँगी, इसमें सामान नहीं निकालूंगी ना, तो ये तो मैं बता रही हूँ ना ऐसे ही पड़े रहेगा, मीन्स कि मैं कहीं पर भी रख दूँगी और इसमें सामान निकालूंगी नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी पूरा ही मैं मतलब काम वाम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का नहीं, हाँ इवनिंग का ही टाइम है, शायद 6 ऐसे कुछ बजे थे। तो यहाँ पर मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, देख रही थी कि सब्जी कौन सी बनानी है, और ये मॉर्निंग में सब्जी लाई थी ये जो कि वॉश करके रखी हुई थी।
इसे ने फ्रिज में रख दूंगी। और प्लीज़ फ्रिज को माइंड मत करना, फ्रिज थोड़ी गंदी हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं ईशु कितना परेशान कर रही है। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए पर वो बहुत परेशान करती है। उसको टमाटर से ये खाती है और फेंकती है, तो कुछ ना कुछ वो फ्रिज में से आप देख ही सकती उठा ही रही है। हेलो गाइस, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ डिनर। तो यहाँ पर पता है मैंने ऑयल चढ़ा दिया था और प्याजो मिर्ची नहीं काटी थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने प्याजो मिर्ची काटी नहीं है, तो फिर मैंने अभी काट ली है। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे ऐसे कर लेती हूँ कि अच्छे से दिखे। तो एक मिनट में यहाँ पर डाल देती हूँ जीरा और राई। तो ऑयल गर्म हो गया तो मैं थोड़ा थोड़ा जीरा राई डालूंगी। ये देखिए, ये है ना, घर से लाया है जीरा, तो अभी मैंने डिब्बे में भरा नहीं क्योंकि मुझे डिब्बे वगैरह वॉश करना है ना, तो इसलिए मैंने अभी भर के नहीं रखा है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हरी मिर्च और प्याज, तो इसे है पकने दूंगी। तो तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ, इसे है मैं वॉश कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ खाना बनाते बनाते बातें कर लो, क्योंकि फिर अभी ईशु की है ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और वो थोड़ा परेशान कर रही है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों से खाना बनाते बनाते बात कर लेती हूँ। पता नहीं बाद में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिला तो आप लोगों से बात ही करूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिए हैं और यहाँ पर प्याज सॉरी लहसुन मिर्ची जैसे पका रही, वैसे तो लहसुन भी डालती हूँ पर आज मैंने लहसुन नहीं डाला क्योंकि आज पता है मुझे याद ही नहीं रहा, मतलब भूल गई। तो फिर मैं प्याज और लहसुन सॉरी मिर्ची से ही इसे फ्राई कर रही। और पता है अगर आप जब कद्दू की सब्जी बनाते हो ना, जब भी अगर आप दही डालोगे ना तो आपकी जो सब्जी इतनी टेस्टी लगेगी वो बहुत। अगर कद्दू नहीं पसंद है, किसी को कद्दू मीठा लगता है, तो आप जरूर इसे ट्राई करके देखना। पर मैं इसके लिए नहीं डाल रही क्योंकि ईशू को हुई है सर्दी, तो मतलब कहते हैं कि खट्टी चीज़ें खाने से और ज़्यादा सर्दी वगैरह हो जाएगी उसे, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो आप ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। अगर आपके पास दही नहीं था आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए पक गया है, तो मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। प्लीज़ आप इसे डिब्बे को माइंड मत करना क्योंकि खराब हो गया। आपको पता है मैं एक महीना के है ना आसपास मम्मी के घर में थी, तो थोड़ा हो ही गया। तो इसमें डाल दूंगी हल्दी और डाल दूंगी धनिया पाउडर और फिर इसमें ऐड कर दूंगी मिर्च पाउडर सॉरी पता नहीं आज क्या हो गया, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। तो 4 चम्मच थोड़ा सा 4.5 चम्मच डाल देती हूँ, 4.5 चम्मच मतलब 4 चम्मच फुल और 1/2 चम्मच। तो यहाँ पर फिर ये पक गया, इसमें डाल दूंगी टमाटर। तो नमक है नहीं, ये हम लोग जो सेंधा नमक होता है ना वो वाला नमक खाने लगे, ये थोड़ा सा फीका होता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूंगी क्योंकि ये जो सेंधा नमक है ये फीका होता है, आपको भी पता होगा ना ये फास्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो यही नमक हम लोग पता है खाने लगे क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है ये और बहुत सारी बीमारियों में भी अच्छा होता है। अपना जो वो साधारण वाला नमक होता है ना उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसी कारण ये वाला नमक आजकल मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो चलिए इसे मैं पकने देती हूँ, तब तक ये सामान है तो ये रख देती हूँ, इसे मुझे वॉश करना है। ये मसाले रख दूंगी, इसे वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे टमाटर गल गए, तो इसमें ऐड कर देती हूँ मैं ये कद्दू। इससे पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, हम लोग कद्दू कहते हैं, कुमड़ा कहते हैं, तो पता नहीं आप लोग के यहाँ पर क्या कहते हैं। इसे मैं ऐड कर देती हूँ और नमक वगैरह तो मैंने डाल ही दिया है और यहाँ पर मैंने धनिया भी काट के रख दिया है।
तो इस टाइप से मैं बनाती हूँ कद्दू की सब्जी। वैसे तो मैं दही या दही डाल के बनाती हूँ, तो पर अभी को सर्दी हुई है इसलिए मैं दही नहीं डाल रही हूँ, तो मैं आज ऐसे ही बनाऊंगी। चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर से, अभी मुझे रोटी बनाना है। यीशु और यीशु के पापा गए थोड़ा बाहर शायद घूमने के लिए, क्योंकि यीशु जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो किचन में आ जाती है, और फिर उसका ऐसा है, बच्चों का तो ऐसा ही रहता है, हमको भी दिखाओ क्या बना रही हूँ, हमको भी दिखाओ, तो इसी कारण फिर वो खाना बनाने नहीं देती है मुझे, इसलिए थोड़ा सा बाहर गई है। तो चलिए जल्दी से मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी रोटी बनाकर हो गई है, बस लास्ट वाली बची है। आज पता नहीं यार मैं मतलब बोलना क्या चाह रही हूँ, बोल क्या रही हूँ, मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा है। तो मतलब बोलना क्या चाहते हो निकलता क्या है मुझसे, ऐसे ही हो रहा है। तो देखिए आज मैंने देखिए बड़ी बड़ी रोटी बनाई है, क्योंकि यीशु कर्म बना ली तो इसे है ना वॉश करना है, तो इसमें से मैं ये आटा निकाल के रख देती हूँ। आटे के डिब्बे में आटा नहीं डाला है, क्योंकि उस डिब्बे को भी वॉश करना है, तो आटा इसमें मैं निकाल के रख देती हूँ। तो देखिए अभी रोटी मेरी जलने वाली थी, तो चलिए अभी मेरी सब्जी भी पक ही गई है, मैं इसके बस 5 मिनट पर पक जाएगी। तो यहाँ पर इधर साइड रख देती हूँ मैं इससे सब्जी को, और चलिए 1 मिनट पहले मैं देख लेती हूँ, इधर साइड रख देती हूँ सब्जी पक गई, मैंने चेक भी नहीं किया कि सब्जी पक गई है, तो इसे मैं है ना बंद कर लेती हूँ, नीचे से बंद कर देती हूँ। और ये धनिया को मैंने वॉश कर दिया था, धनिया डाल लेती हूँ, और ये है मेरी सब्जी बनके रेडी। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है ना, ऑयल में ही बनाओ तो अच्छी लगती है, क्योंकि पता है इसमें पानी डाल देता हूँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए अभी मिलती हूँ आप लोगों से डिनर करने के बाद। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजे, और आप देख सकते हो सॉरी मेरी हालत क्या हुई है, मतलब क्या हो गई है, क्योंकि अभी 11 बजे हैं और अभी सोने का टाइम है, मतलब मैं सो ही रही थी और मेरे हस्बैंड चले गए हम लोग को छोड़ के इतने रात को, वो भी तो कहाँ गए मैं बताती हूँ, ड्यूटी गए, क्योंकि अभी उनके हैं नाइट शिफ्ट चालू है, तो इसलिए वो ड्यूटी गए, जाने देने का मन नहीं था क्योंकि यीशु की तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हो गई है, तो फिर अकेले रहूँ तो और थोड़ा सा मतलब लगता है ना यार कि मेरी बेटी और मैं अकेली हूँ, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जैसे बच्ची की तबीयत ठीक रहती है, नहीं तो फिर मुझे तो आदत सी हो गई है, कुछ नहीं लगता है, मन नहीं था जाने देने का, पर क्या कर सकते, ड्यूटी है जाना ही पड़ेगा। तो देखिए 11 तो बज चुके हैं, तो मैं अभी जल्दी से ना ब्लॉग को एंड करती हूँ, और मुझे एडिटिंग वगैरह करनी है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।